वाटर पार्क में घूमना फिरना हर एक परिवार के लिए एक बहुत ही खुशहाल सपना है। और वाटर पार्क का नाम सुनते ही सबसे पहले चीज जो दिमाग में आती है वो है वाटर स्लाइड। जब ऊपर से नीचे इतनी तेज स्पीड में इतने घुमावदार रास्ते को तय करने के बाद आओ तो बहुत गुदगुदी लगती है और थोड़ा बहुत तो डर भी लगता है। लेकिन आज हम आपको दुनिया के साथ ऐसी वाटर स्लाइड्स के बारे में बताने वाले हैं जो मजेदार से ज्यादा तो खतरनाक और डरावनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पांचवें नंबर पर आता है ब्लैक होल वाटर स्लाइड। ये है जर्मनी में स्थित है और इसे ब्लैक होल वाटर स्लाइड के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि बाहर चाहे जितनी भी धूप क्यों न हो इसके अंदर जाते ही आपको पूरा नजारा काला काला दिखेगा। लाइट का एक टुकड़ा भी आप इसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी वजह से इसके अंदर एक और स्पेशलिटी है। इसके अंदर LED लाइट्स कुछ इस तरीके से फिट की गई है जिसके अंदर जाते ही आपको लगेगा जैसे आप किसी पोर्टल के अंदर आ गए हैं। इसके अंदर की LED लाइट्स इस तरीके से अरेंज है जिससे आपको स्पेस में स्टार्स प्लैनेट्स और वॉर्म होल का एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें एंटर करने के बाद लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं या कहें कि किसी और ब्रह्मांड की ओर आपका सफर हो चुका है शुरू। आपने इसकी भी वीडियो फोटोज अपनी स्क्रीन पर अभी अभी देखी। नंबर 4 वाइल्ड बीस्ट और मैमथ वाटर स्लाइड। ये दोनों वाटर स्लाइड एक ही पार्क में बनी हुई है और ये दोनों ही इस दुनिया के सबसे लंबी वाटर स्लाइड है। इस वाटर स्लाइड के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हैं। ये दोनों ही 1000 फीट से भी ज्यादा लंबी है और इनमें बैठने के बाद ना सिर्फ आप नीचे जाते वक्त स्पीड का सामना करेंगे बल्कि ऊपर जाते वक्त ऊंचाई का भी नजारा लेंगे। दिल के मरीजों को इस पर बैठने से रोका जाता है क्योंकि काफी जगह है ऐसी होती है जो शायद दिल की गति बहुत तेज कर दे जिनकी वजह से उनको तकलीफ उठानी पड़ेगी। एक बार बैठ जाने के बाद ये राइड 3 से 4 मिनट तक चलती है जिसका मतलब अगर आप इसमें बैठने के लिए अपने पैसे लगाएंगे तो वो सूद समेत आपको पूरे मनोरंजन के साथ वापस मिल जाएंगे। हम तो यही कहेंगे कि आप अगर कभी भी यहाँ पर जाएं तो दुनिया के सबसे बड़ी वाटर स्लाइड पर झूलने का मौका बिल्कुल न छोड़ें। नंबर 3 लीप ऑफ फेथ। सूचित शार्क से भरा हुआ है, पूरा समंदर आपके सामने होगा, तभी पीछे से कोई दोस्त आए और आपको उसमें धक्का दे दे। इसके बाद तो दिमाग में सिर्फ 2 चीज आएगी, पहला कि आज मेरी जिंदगी का अंत है, दूसरा कि अगर मैं जिंदा भी बच गया तो मैं अपने दोस्त को मार डालूंगा। वैसे ये कहानी अब कहानी नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी है। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं लीप ऑफ डेथ वाटर स्लाइड। जब आप इसके अंदर एंटर करेंगे तो उसके बाद आप अंडर वाटर 1 टनल में चले जाएंगे। ये टनल एक ऐसे पूल के अंदर होगा जिसमें 5 से भी ज्यादा शार्क खुले में घूम रहे होंगे। सोचिए शार्क के बीच आप फंसे हैं। वैसे इसका टनल पूरी तरीके से सिक्योर है तो आपको खतरा पहुंचने के बहुत ही कम चांसेस है। नंबर 2 ट्विस्टर एंड स्पीडी। एक होती है वो वाटर स्लाइड जिनकी रफ्तार बहुत तेज होती है और फिर दूसरी वो जिनमें बहुत सारे टर्न होते हैं और वो बहुत घुमावदार होती है। लेकिन इस केस में तेजी और चक्कर दोनों है। इस समय आप इसकी फुटेज अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और केवल देखने भर से आप समझ सकते हैं कि ये हर सेकंड में आपकी दिशा पूरी तरीके से घूम जाती है जिससे आपका दिमाग भी गोल गोल घूमने लगेगा और आपको वाकई बहुत तेज चक्कर आ जाएंगे। अगर चक्कर रफ्तार झेलने की क्षमता हो तो ही जाइए वरना भगवान ही मालिक होगा। नंबर 1 स्कॉर्पियन टेल। ये अमेरिका में स्थित एक वाटर पार्क के अंदर बनी हुई है। इस स्लाइड के लिए आपको बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर एक कासल में जाना पड़ता है। वहाँ पर आपको इस चीज की सख्त एडवाइस दी जाएगी, क्या आप अपने हाथ और पांव बांध के रखेंगे और उनको खोलिएगा? बिल्कुल नहीं। फिर आपको एक जगह पर खड़ा कर दिया जाएगा और कुछ देर बाद उस जगह का ढक्कन अपने आप खुल जाएगा। इससे आप उस स्लाइड के नीचे गिर जाएंगे या कहे कि अंदर घुस जाएंगे। ये स्लाइड 400 फीट की है और इसमें इतनी तेजी से राइडर जाता है कि 30 सेकंड के अंदर ही उसका सफर पूरा हो जाता है। इसकी हाइपर स्पीड के अलावा ये बिल्कुल एक बिच्छू के पूंछ की तरह बना हुआ है जैसा कि आप इस फुटेज में देख ही सकते हैं और इसी बिच्छू की पूंछ के अंदर आपको कई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झूलना पड़ेगा। अगर इस दौरान डर की वजह से राइडर ने अपने हाथ पैर खोल दिए तो गंभीर रगड़ का सामना करना पड़ेगा जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा चोटें आ सकती हैं। कुल मिलाकर यात्रा अपने जोखिम पर ही करें वरना चोटिल हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही मजेदार फैक्ट्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही हम मिलेंगे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।